चंद्रमा कोई धरती नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिथे लैंड किया जा सकता है। चंद्रमा ते सूरज लाइट दे सोर्स ने, दीपक ने दीपक, चिराग ने चिराग। हुण लैंप दे उत्ते या लाइट दे उत्ते कोई लैंड कर सकता है कि? ये मून को कंपेयर कर रहे सन से, तो मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ साथ में कि मून क्या है। मून का जो सरफेस है वो रॉकी रॉकी सरफेस है, रॉक से कवर्ड है मून का सरफेस, क्योंकि वो एस्ट्रॉइड और उससे मतलब जैसे आप मिट्टी पे चल रहे हो ना, सेम मून है। मून डजंट हैव इट ओन लाइट एंड इधर रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन। तो मून की कोई अपनी लाइट नहीं है और वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। एक वीडियो में देख रहा था कमलप्रीत जी का, वो बता रहे थे कि मून पे लैंडिंग पॉसिबल नहीं है और मून एक लाइट सोर्स है, एक ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस है और उस पे लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। जिसके रिप्लाई में एक बच्चा था वो बता रहा था, वीडियो बना के रिप्लाई दे रहा था, दिखा रहा था गूगल क्रोम पे, ये देखिए इसमें लिख रहा है कि जो मून है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उस बच्चे को ये लग रहा था कि गूगल क्रोम चलाना से उसे आता है और हमको तो पता ही नहीं होगा ये सब। एनीवेज मैं इसका आपको पक्का सबूत देता हूँ कि जो मून है उस पर लैंडिंग पॉसिबल नहीं है और वो सेल्फ ल्यूमिनस है, यानी कि कमलप्रीत जी की बात बिल्कुल सही है, वो सेल्फ ल्यूमिनस है। उसका रीज़न ये है कि ये फोटो आपके सामने नज़र आ रही होगी, तो अगर मून जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता तो आपको कुछ ऐसा नज़र आता, क्योंकि एक स्फेरिकल, एक गोलाकार, एक फुटबॉल जैसी चीज़ के ऊपर जब आप कोई रोशनी डालोगे, कोई टॉर्च डालोगे, तो ऐसा एक धब्बे के रूप में उस पर रोशनी डलेगी। जबकि जो असली चंद्रमा हमें दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये पूरा चंद्रमा एक जैसा प्रकाशित होता है, पूरा ही चंद्रमा ग्लो कर रहा होता है, प्रकाशित हो रहा होता है, ऐसा कोई एक जगह धब्बे की तरह लाइट नहीं दिखती। जबकि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता, कोई गेंद की तरह कोई वस्तु होती, उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते तो वो एक ऐसे धब्बे के रूप में एक ही जगह पे लाइट का स्पॉट बनता, नंबर वन थे। उसके बाद हमारे प्यारे भाई दोबारा से गूगल क्रोम खोल लेते हैं और दिखाते हैं कि देखिए चंद्रमा की सरफेस रॉकी है और इस पर लैंड क्यों नहीं कर सकते, तो मिट्टी की तरह चल सकते हैं। तो सर का कहना है कि जो मून है वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और वो लाइट की लैंप की तरह जिसके ऊपर आप लैंड नहीं कर सकते। ये मून को कंपेयर कर रहे सन से, तो मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ साथ में कि मून क्या है। मून का जो सरफेस है वो रॉकी रॉकी सरफेस है, रॉक से कवर्ड है मून का सरफेस, क्योंकि वो एस्ट्रॉइड और उससे मतलब जैसे आप मिट्टी पे चल रहे हो ना, सेम मून है, पत्थरों की तरह मून है, उबड़ खाबड़। तो आप क्या मिट्टी पे चलते नहीं हो जो आप कह रहे हो कि मून पे कोई लैंड ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता? तो मैं आपको बता दूं चंद्रमा की सरफेस रॉकी नहीं है, इसका सबूत आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सच हमारे सामने होता है लेकिन हम इतने अंधे हो जाते हैं कि आँखों के सामने रहते हुए भी उसको नहीं देख पाते हैं। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इसलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इन सभी पिक्चरों में आप देख सकते हैं चंद्रमा वही कलर ले लेता है जो कि उसके बैकग्राउंड में स्काई का कलर है, चंद्रमा सेम कलर ले लेता है जो कि उसके स्काई का कलर है, यानी कि बैकग्राउंड में जो उसके स्काई का कलर है वही कलर चंद्रमा ले लेता है, जिससे प्रूफ होता है कि चंद्रमा ऐसी कोई सॉलिड पत्थर रॉकी चीज़ नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसी कोई चट्टान नहीं है जो लटक रही है, क्योंकि अगर अंतरिक्ष में चट्टान होती तो बैकग्राउंड का कलर नहीं ले पाती वो, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है चंद्रमा एक ट्रांसल्यूसेंट टाइप की वस्तु है जिसके आर पार देखा जा सकता है। उसका दूसरा प्रूफ ये है कि जब आप DSLR कैमरा से चंद्रमा के फोटो खींचोगे जूम करके और जब आप उसे जूम करोगे तो आप आर पार पीछे के स्टार्स भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्यक्ति ने अपने DSLR कैमरा से चंद्रमा को जूम करा और उसमें जब उसने जूम करा तो देखा कि पीछे के जो स्टार्स हैं, चंद्रमा के जो पीछे के स्टार्स हैं वो भी दिखने लग गए, जिससे प्रूफ होता है कि भाई चंद्रमा ऐसे कोई सॉलिड वस्तु नहीं, क्योंकि अगर चंद्रमा सॉलिड होता तो पीछे के स्टार तो किसी भी कीमत पे दिखने ही नहीं चाहिए थे। I'll blow them up a little larger so you can see these stars. I'll point to one, there's a blue star here, a white star. There's another star right here. That shows up quite good. तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर उस बच्चे की गलती नहीं है क्योंकि भाई स्कूल कॉलेजों में यही फर्जी साइंस पढ़ाया जाता है, तो वही सब पढ़ रहे हैं और वही बेचारा उस बच्चे ने भी बता दिया। और एनीवेज गूगल तो है ही, मतलब गूगल से आप क्या नॉलेज लोगे।